Hello everyone, welcome to this session of Testbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 and paper 2 CS faculty. So earlier हम लोगों ने mock test 1 किया था, थोड़ा सा technical barrier था. I hope आज सब कुछ audio video PPT fine है और आज हम mock test 2 करेंगे जिसमें बहुत ही moderate to high level के questions रखे हैं मैंने. Specially maths को भी मैंने target किया है क्योंकि at least last minute में PYQs तो आप practice कर ही सकते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा focus नहीं कर सकते. अक्सर students का ये phobia है maths के regarding, तो DI, mathematical reasoning, आपका जो latest questions है वो सारा कुछ मैंने यहाँ पे पांचों units जो मैं आप लोगों के routine में लेती हूँ उसके questions मैंने add किए हैं. Around 30 to 35 questions हम practice करेंगे. उसके बाद last में ये भी चीज़ आप लोगों ने note करना है कि कितना आपका स्कोर बनता है. ठीक है, सारे स्टूडेंट इसको अटेम्प्ट करेंगे बिकॉज रूटीन के अलावा ये एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए एफर्ट लिया गया है जिसमें आप लोगों को ये चीज भी बेनिफिट मिल पाए एट लास्ट मिनट. सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन जस्ट नोट डाउन दीज आर द टाइमिंग ऑफ माय फ्री सेशंस, 3 बजे मंडे टू फ्राइडे एंड 7 PM मंडे टू फ्राइडे फ्री मास्टर क्लास ऑन टेस्ट बुक ऐप. ये यूट्यूब के टाइमिंग है, ये ऐप के टाइमिंग है. तो क्विकली एक बार लाइक शेयर कर दीजिए सेशन को एंड डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं. और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल @PreetiPaper1. तो मेक श्योर सारे स्टूडेंट्स किसी भी अपडेट के लिए या आपको कोई भी डाउट आए तो आपको ये जरूर ज्वाइन करना है ताकि मैं आप लोगों को जो भी अपडेट्स आता है वो टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवा पाऊँ. एंड दीज आर द टाइमिंग ऑफ पेपर टू फैकल्टीज. एंड ये आप लोगों का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं या दिसंबर 2024 जो भी नया स्टूडेंट है क्लास के अंदर नेक्स्ट साइकिल को टारगेट करना चाहता है तो दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप लोग अभी से स्टार्ट कर दें क्योंकि बहुत नजदीक टाइम आता है और तब बहुत पैनिक क्रिएट हो जाता है, ना सिलेबस पूरा हो पाता ना ही प्रैक्टिस हम लोग कर पाते. तो आई होप एवरी वन इज रेडी एंड वी कैन स्टार्ट द सेशन. तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिए सारे स्टूडेंट और फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए जी. तो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. ये नंबरिंग क्योंकि मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर से लिए हैं, ये स्क्रीनशॉट्स हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर से लिया है तो इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन नंबरिंग आगे पीछे मिलेगा तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, तो हाँ जी, तो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. चूज द पेयर ऑफ वर्ड्स विच शो द सेम रिलेशनशिप एज गिवन बिलो. ट्री का अगर सैपलिंग के साथ कनेक्शन है तो इनमें से सिमिलर बताइए किसका कनेक्शन है. रॉक का माउंटेन, हॉर्स फॉल, जॉइंट ड्वार्फ, देन उसके बाद हट मेंशन. आंसर इन कमेंट. ठीक है, यस, व्हाट इज सैपलिंग? यंग ट्री. सैपलिंग क्या होता है? यंग ट्री मतलब स्मॉल बोल सकते हैं, छोटे छोटे ट्री के लिए हम इस वर्ड को यूज करते हैं. तो अगर ट्री क्या है, ये बड़ा है, ठीक है, ये क्या है, यंग ट्री है. इन द सेम, ये आप लोगों का बड़ा और छोटे की बात करें तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन बी, हॉर्स एंड फॉल. नेक्स्ट बताइए, ASIC स्टैंड्स फॉर. अब बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती करेंगे और ये कर्नाटका सेट का ही क्वेश्चन पेपर है, उसी से मैंने आई गेस 2021 का क्वेश्चन पेपर है ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ASIC स्टैंड्स फॉर, और ये बताना पहले आपको क्वेश्चन नंबर 16. ये नंबरिंग क्योंकि आज इट इज पेपर से है तो ये नंबरिंग को इग्नोर करिएगा. हाँ जी, तो हेयर द करेक्ट आंसर इज एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट. तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन टू. देखो, ये स्काई नहीं पूछा आपसे, ध्यान दो, ये आप वो वाला स्काई नहीं पूछा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आपसे पूछा है ASIC पूछा गया है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कैपेसिटी ऑफ द टेली कम्युनिकेशन चैनल स्टेटेड इन मेगाबाइट और गीगाबाइट पर सेकेंड इज कॉल्ड. क्या बोला जाता है उसको, हर्ट, या फिर उसको हम लोग रियल टाइम बोलेंगे, बॉड रेट बोलेंगे, या फिर बैंडविड्थ बोलेंगे. कैपेसिटी, आपकी कितनी कैपेसिटी है पूरे दिन स्टडी करने की, तो आप उस चीज को टेक्निकली क्या बोलेंगे जी? तो वी कॉल इट बैंडविड्थ. मैं बोलूंगी ना, पूरे दिन में आप कितने घंटे तक स्टडी कर सकते हैं, कितनी आपकी बैंडविड्थ है, आप बोलोगे मैम 10 घंटे कर सकते हैं, 8 आवर्स कर सकते हैं. तो कैपेसिटी इज द कीवर्ड जो आपको यहाँ हिंट करता है, तो आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट स्टोर एंड मॉडिफाई इंफॉर्मेशन वाइल द कंप्यूटर इज ऑपरेटिंग. कंप्यूटर जब काम करता है तो एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो स्टोर या मॉडिफाई करती है इंफॉर्मेशन को, बट That also retain information when power is turn off. अगर कंप्यूटर की पावर टर्न ऑफ है, कंप्यूटर ऑफ है, तब भी आपका डेटा आपको वो करती है रिटेन. इनमें से कौन सी है? फ्लैश, बफर, रेंडम और फजी मेमोरी.
दोनों क्वेश्चंस के आंसर कर दो आप लोग, दोनों को ही फिर मैं इकट्ठा डिस्कस कर दूंगी। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क दैट स्पैन ए वाइड ज्योग्राफिकल एरिया सच एज स्टेट और कंट्री इज कॉल्ड। मतलब देखो टाइप ऑफ नेटवर्क पे कैसे कैसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन बना रखे हैं, और ये मैंने इसीलिए रेफरेंस यूज किया ताकि आप लोगों को ये लगे यस पक्का ये ऐसे क्वेश्चंस आपके नेट और सेट में पूछे जाते हैं। सो हेयर द करेक्ट आंसर, ये आपकी फ्लैश मेमोरी है। रैम तो क्या है, अगर टर्न ऑफ है आपका डेटा तो चला जाता है रैम, क्योंकि ये क्या है वॉलेटाइल मेमोरी है। बफर ये भी आपकी एक तरीके से टेम्परेरी में चला जाता है। इधर बोला कंट्री बहुत वाइड लेवल पे, तो ये आपका कौन सा आ जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय, किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। दोनों क्वेश्चन का आंसर दिए दीजिए। वेरी गुड, हाँ जी, तो हेयर द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन डी एंड बी। इसमें से कौन, देखो लाइनक्स है, यूनिक्स है, विंडो एक्सपी, ये तो सुन रखे हैं आप लोगों ने, जो नहीं सुना विनिक्स, ये आप लोगों का नॉट पूछा है, तो करेक्ट आंसर डी जाएगा। स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज को कौन कंट्रोल करता है, आरसीआई कंट्रोल करता है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, ज्ञान विघ्नम विमुक्ते इज द मोटो ऑफ, इग्नू या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूरू, या फिर ये आयोग है आपका जेवीए, या फिर यूजीसी, लोगों में भी तो देखा आपने अक्सर इमेजेस देखते होंगे आप लोग, थंबनेल्स देखते हैं वीडियो के ऊपर, थंबनेल लगे हैं, तो वहां पर यूजीसी का जब लोगो लगा है तो वहां पर स्पेशली ये इनका मोटो मेंशन है, तो इट्स अबाउट यूजीसी। नेक्स्ट देखिए, सैम पिट्रोडा कमेटी, ज्ञानम कमेटी, यशपाल कमेटी, शर्मा कमेटी, किसका किसके साथ कनेक्शन है, ये आप देख सकते हैं, ये डायरेक्ट स्क्रीनशॉट है। अच्छा सॉरी, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया, चलो कोई बात नहीं। तो सैम पिट्रोडा कमेटी, ठीक है, हेयर द आंसर, सैम पिट्रोडा नेशनल नॉलेज कमीशन है ना, जिसको किन्होंने हेड किया, सैम पिट्रोडा ने क्या बोला था, 1500 यूनिवर्सिटी कब तक, 2015 तक। ए का टू देखो, एलिमिनेट एलिमिनेट एलिमिनेट। ज्ञानम कमेटी, ज्ञानम कमेटी ने क्या बोला था, एनसीएचआर की, एनसीएचएआर के बारे में बात किया था। यशपाल के अंदर क्या हुआ था, सीएचईआर, ठीक है, यशपाल, ठीक है, यशपाल का सीएचईआर आया था। और शर्मा कमेटी ने जो आईएसईआर है उसकी स्थापना की बात की थी। नेक्स्ट आपका आ जाता है डीआई, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन भी बन जाता है। देखो आपको बोला गया है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, ये स्टूडेंट की क्या दे रखी है, परसेंटेज दे रखी है, और इधर आपके पास दे रखा है कि टोटल जो स्टूडेंट है वो कितने हैं, 800 हैं, जिनको अलग अलग रैंकिंग दिया गया है, रैंक 1, 2, 3, 4, 5 दे रखा है, और रैंक 1 क्या हाईएस्ट है, अकॉर्डिंगली आप लोगों को अगर किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़े, रैंक 1 को 5 पॉइंट मिले, रैंक 2 को 4 दिए हैं, रैंक 3 को 3 दिए, ये इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा है अगर किसी क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़े। ध्यान रखना है टोटल स्टूडेंट 800 और उनकी परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन आपको ये दे रखा है अलग अलग एक्टिविटीज में। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी स्टूडेंट गेव रैंक 1 टू द डांसिंग, कितने स्टूडेंट्स को रैंक 1 डांसिंग के अंदर मिली है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है अगर आपने टेबल को अंडरस्टैंड कर लिया है तो। डांसिंग को देखो कितना है, डांसिंग में जाइए, डांसिंग में रैंक 1, ये रैंक 1, रैंक 2, 3, 4, 5, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 800, कितना परसेंट है, 26%, कैलकुलेट करो, 0 से 0, 8, 6, 48, ठीक है, 4, 8, 2, 16, ये आ जाएगा आपका 208। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गेव एन रैंक 2, जिनको रैंक 2 मिला है, टू डिबेट, डिबेट के अंदर रैंक 2 प्लस डांसिंग, ठीक है, क्या है, डिबेट प्लस डांस, एंड स्टूडेंट हु गेव रैंक 3 टू सिंगिंग प्लस डांस, ये 2 वाले हैं, और थर्ड में क्या है, सिंगिंग और डांस को, इनका क्या निकालना, डिफरेंस निकालना, और टोटल स्टूडेंट एग्जामिनर ने खुद दिया है कितना है, 800 जी, निकालो। फेल्ट
तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, डिफरेंस आपसे पूछा गया है, सो हेयर द करेक्ट आंसर इज, चेक कर लेते हैं आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन 40। देखिए सबसे पहले जाइए रैंक टू के अंदर, रैंक टू में जब मैं जाऊंगी, रैंक टू के अंदर इधर कितना है 24, 800 का 24%, ये बहुत एक एक स्टेप लिखा है मैंने, वैल्यू आएगी ऐसे ही। नेक्स्ट में इधर डांसिंग आपका, तो 800 का क्या निकालूंगी, 19%, 0000, तो ये वैल्यू मैं निकाल लूंगी। डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो इसको, सम टोटल 24 और 19 का डायरेक्ट भी, तो ये वैल्यू को प्लस करना आपने ऐसे ही। अब रैंक थ्री में जाओ, रैंक थ्री में निकालो सिंगिंग और डांसिंग को, तो ये कितना आ जाएगा, 800 का 38%, तो कितना आया, 8 8 6 आ गया, 8 से 24 और 6 304 आ गया। तो ये वैल्यू हम लोगों ने ऐसे कैलकुलेट कर ली, हाँ 304 आ गया। चाहे तो आप इसको अलग कर लो, वरना 24 और 19, 800 का 24 और 19, 9 4 13 और 2 और 1 3 43%, ये एक बार क्रॉस चेक कर लेना। बस इसका एक टोटल आएगा, इसका एक टोटल, दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो आ जाएगा 40। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गिव पोएट्री ए रैंक ऑफ 1 to 4, ठीक है, किसके साथ, पोएट्री में जाइए, पोएट्री का 1, 2 एंड 4th, इनका रेशियो निकालना है। देन किसके साथ, डिबेट में जाएंगे, डिबेट का क्या निकालना है, फर्स्ट सॉरी फर्स्ट ये नहीं जाएगा और दिस वन, पहले टोटल वैल्यू निकाल लो, 800 टोटल वैल्यू दे रखी है तो सबका टोटल निकाल लिए, हाँ जी, तो 800 का क्या निकालूंगी, पहले पोएट्री की वैल्यू देखो, ये कितना है टोटल आपका, 22 18 21, तो ये कितना आ जाएगा आप लोगों का वैल्यू, 8 और 2 10 और 8 और 1 9 और 2 11, 1 8 और 2 10 और 11, 1 2 और 1 3 4 2 6 61 आ गया, 0 से 0 8 के 8 और 8 6 या 48, ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू हम निकालेंगे, 488 आ गया ना आपका, ऐसे नेक्स्ट वैल्यू निकालो, डिबेट के निकालो, डिबेट में भी 800 का क्या निकालेंगे, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 1 आ गया, 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 1 5, 53% निकालो, 0 से 0 गया, 24 2, 8 4 24, इनका रेशियो निकालो तो क्या आ जाएगा आंसर, 61 और 53। नेक्स्ट, विच एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज कंसिडर द लीस्ट इंपॉर्टेंट, द एक्टिविटी विच रिसीव द लीस्ट नंबर ऑफ पॉइंट, इनमें से बताना कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसको सबसे कम पॉइंट मिले हैं। अब यहाँ पे पॉइंट का रोल आ जाता है, तो ये सिर्फ ना ऑप्शंस को चेक करो, फर्स्ट ऑप्शन में आपको क्या दे रखे थे, इसमें फर्स्ट ऑप्शन में आपको पॉइंट दे रखे थे, ये बोल रखा था ना, रैंक वन को क्या मिला था, 5 पॉइंट, ये देखो रैंक वन को 5 पॉइंट, रैंक टू को 4 पॉइंट, रैंक थ्री को ये पॉइंट है, रैंक फोर को इतना और रैंक इसको इतना, तो इसने पूछा लीस्ट पॉइंट किसको मिले हैं, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो वो सबसे लीस्ट पॉइंट किसको मिले हैं, स्पोर्ट्स को मिले हैं, ठीक है, आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो, सबसे कम बच्चे अगर कंपेयर करें तो कहाँ पर है, तो ऑब्जर्वेशन से भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। हाउ मेनी स्टूडेंट्स गेव रैंकिंग 4 to स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के अंदर रैंकिंग 4 कितने स्टूडेंट्स को मिली है, स्पोर्ट्स के अंदर रैंकिंग 4 कितने स्टूडेंट्स को मिली है, वर्बल वाला क्वेश्चन है ये, तो 800 टोटल था, उसका 20% निकाला तो कितना है, 160। नेक्स्ट, विच एक्टिविटी हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉइंट, किस एक्टिविटी को हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉइंट, डिबेट, डांस, सिंगिंग, पोएट्री, स्पोर्ट्स को तो यहाँ पे अवॉइड ही कर दो, स्पोर्ट्स को हम लोग यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं, किसको सबसे ज्यादा पॉइंट मिले, या तो टोटल करके इंटू 5 कर लो इनको इतने पॉइंट मिले हैं, या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड से, है ना, या फिर हम क्या कर सकते हैं इसको ऑब्जर्वेशन मेथड से, यस, जैसे अगर आप मान ले डिबेट का ही देखते हैं, ठीक है, डिबेट का रैंक वन में देखो, डिबेट के अंदर अगर मैं रैंक वन में देखती हूँ तो 800 का क्या निकालूंगी, 14%, और इनको कितने पॉइंट मिले, 5 पॉइंट वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट के अंदर मैं देखूंगी, डिबेट के अंदर, अब नेक्स्ट के कितना देखना आप लोगों को, ये बताना आप लोगों को, रैंक टू
वन इज विच एक्टिविटी हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉइंट, किसको मिले हैं। तो ये आ गया आपका डिबेट का। अब नेक्स्ट हम डिबेट का देखेंगे, आप 26% की वैल्यू निकालो, डांसिंग का भी है ना, तो डांसिंग की निकालोगे वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। डांसिंग की वैल्यू देखेंगे तो इधर इसका 26%, 800 का 26% और इसको 5, ऐसे इनका वैल्यू निकालोगे। तो या तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से ये है, जब टाइम कम है तभी ऑब्जर्वेशन ट्राई करना, तो डांसिंग आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि सिर्फ रैंक वन में ही सबसे ज्यादा मिले हैं तो आपको और तो ज्यादा चेक ही नहीं करना, बस डिबेट, डांस, पोएट्री और सिंगिंग चेक करना है। रैंक सबके 5-5 पॉइंट मिले रैंक वन वालों को, तो डिबेट, डांस, पोएट्री, सिंगिंग सबका ही मुश्किल से आपको कुछ सेकंड्स लगेंगे, तो वो आप ट्राई कर लेना। तो आपको बोला है सैलरी ऑफ एबीसी कितना है, 2, 3 और 5 है, इंक्रीमेंट दे रखा 15%, 10%, 20% है, तो व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ देयर सैलरी, क्या रहेगा। 100 में इसको मान लिया, कंसीडर कर लो, लेट सपोज इसको 100 के मल्टीपल में कंसीडर कर लो, मान लिया सैलरी है 200, 300 और 500, 100 का मल्टीपल कंसीडर कर लो, ये ना कैलकुलेशन आपके लिए इजी बन जाएगा। फर्स्ट को क्या मिला है 15% का, तो 200 का अगर मैं 15% कैलकुलेट करूंगी, 200 का अगर मैं 15%, सॉरी ये प्लस आएगा, तो 0 से 0 तो कितना आया 230, इसका मैं कितना परसेंट करूंगी 10%, तो इधर आ जाएगा 330, 300 अज्यूम किया ना, इसका क्या कर दूंगी 300 का अगर मैं 10%, तो ये 330 बन जाएगा। ऐसे ही 500 का निकालना मुझे 20%, तो 500 प्लस 500 का 20%, 0 से 0, 5 × 10 तो ये आ जाएगा 600। तो अब इसको कैंसिल कर लो आप, 0, 0, 0, तो 23, 33 और ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए बी और सी है, ये थोड़ा सा मैंने मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी डाले अभी स्टार्टिंग के, फिर उसके बाद आप लोगों के नॉर्मल बाकी क्वेश्चंस भी आएंगे, आईसीटी वगैरह भी। एबीसी ने इन्वेस्ट किया है और ए ने 5000 टू मंथ, बी ने 6000 थ्री और सी ने इन्वेस्ट किया, पहले तो टोटल वैल्यू निकालो। ए का क्या है 5000 इंटू टू कितना आया 10000, बी का है 6000 इंटू थ्री 18000, सी का है 4000 इंटू फाइव ये आ गया 20000, ये वैल्यू आ गई। आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट इतना है 960 का दे रखा है, तो आपको बताना है कि इधर वैल्यू ऑफ ए के शेयर की वैल्यू क्या रहेगी, ए के शेयर की वैल्यू क्या रहेगी, टोटल कितना है ये 48000 आया। ए के शेयर कैसे निकालेंगे, ए का कितना है पार्टिसिपेशन 10000 डिवाइड बाय 48000 इनटू टोटल प्रॉफिट है 960, तो उसका 960 में से हिस्सा निकालना है ना, तो 960 में से हिस्सा 30 से 30 ये आ जाएगा, 2 8 16 2 4 8 2 आ गया, तो इधर आ गया आप लोगों का 200 आंसर आ गया। नेक्स्ट, इन ए कोड हाउस को अगर ऐसे लिखा जाता है तो क्राउड को कैसे लिखा जाएगा, किसी कोड में अगर हाउस को ऐसे लिखा जाता है तो क्राउड को क्या लिखेंगे। तो आंसर इज ऑप्शन वन। अब देखो एच ओ यू एस ई आई एन वी आर एफ, आपको नहीं लगता एच आई प्लस वन एम एन ओ माइनस यू वी प्लस वन, ये आर के एस माइनस वन, ई के बाद एफ है प्लस वन, तो प्लस वन प्लस माइनस वन प्लस वन माइनस वन, तो ऐसे ही आंसर सी के बाद डी और इससे पहले क्यू, फिर ओ के बाद पी इससे पहले वी, डी के बाद ई, ऐसे आ जाएगा। फिफ्थ टर्म बतानी है 2727107, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, पहले तो डिफरेंस देखो, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, डिफरेंस देखो 5 20 100, तो आपको नहीं लगता इंटू फोर, ये इंटू फाइव 100 ही है ना, 107 में से 7 गया 0 और ये आ गया 10, नहीं 80 आएगा ये, सॉरी ये 80 आएगा, तो ये 80 आ गया,
तो ये हाँ मल्टीपल आगे भी क्या जाएगा, मल्टीपल ऑफ 4 जाएगा, मतलब यहाँ पे +320 होगा, तो 107 और 320 करेंगे तो 427 आंसर ये आ गया सी ऑप्शन। फायरवॉल मीन्स व्हाट इज फायरवॉल? सॉफ्टवेयर और पीस ऑफ हार्डवेयर बिटवीन कंप्यूटर और इंटरनेट, प्रोग्राम बिटवीन प्रिंटर और मेमोरी, डिवाइस टू क्रिएट फायर ऑन वॉल और ए वायरस, क्या आता है ये? स्टूडेंट सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसने भी लेट ज्वाइन किया है, क्योंकि सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी बहुत मतलब अच्छे हैं यहाँ पे। हाँ जी, तो आंसर इज ये क्या है, कंप्यूटर और इंटरनेट, सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम इसको यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के अंदर बेस्ट है कि आप ना इजी ऑप्शंस को पिक करो, इजी ऑप्शन को पिक करना ज्यादा बेटर है। तो इधर देखो, मान लिया 20 है, इसको पिक करते हैं, तो 20 को बाइनरी में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 8421 मेथड से देखो, 8 और 16 और 4 20, तो मैं इसको 10100 ऐसे लिख सकती हूँ, तो ऑप्शन आपको मिल गया आंसर। तो क्योंकि बाइनरी को कन्वर्ट करके चेक करना इजी है, 8421 ये वाला मेथड आप यूज कर सकते हो, तो ये मेथड इजी है। तो सबसे पहले बाइनरी वैल्यूज को आप पिक करिए, तो ये तो आपका वैसे ही रॉन्ग दिख गया क्योंकि 20 को तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डोमेन, डीएनएम, डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है? इट्स अ डोमेन नेम सिस्टम। वीओआईपी मींस, VOIP से क्या अर्थ है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ऑन इंटरनेट प्रोसीजर, वॉइस ऑफर इंटरनेट प्रोसीजर, वैलिड ऑफर इन प्रोग्राम्स। यस, आंसर इज ऑप्शन 1। ये सारे PYQs है। 4GB इज इक्वल टू, 4GB किसके बराबर है? स्पीड टेस्ट जैसा है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि हर चीज की बहुत ही इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन जाएगी। हाँ यस, थोड़ा हिंट मैं आप लोगों को जरूर प्रोवाइड करूंगी, तो थोड़ा सा स्पीड भी आप लोग बढ़ाने की कोशिश करिए जी। तो 4GB देखो, GB किसके बराबर है? 2 की पावर 30, इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2, बेस सेम है तो क्या बन गया? पावर एड, तो 2 की पावर 32 बाइट। नेक्स्ट, PDF का फुल फॉर्म बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDF? पोर्टेबल डायरेक्टरी फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, पोर्टेबल डिलीटेड फाइल और पोर्टेबल डोमेन फाइल, तो आंसर इज पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। हेडक्वार्टर ऑफ NCRI इज इन, NCRI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर ऑफ NCRI, मतलब ऐसे क्वेश्चंस को, हालांकि ये सेट का ही क्वेश्चन है तो नेट में ऐसे क्वेश्चंस बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, तो नेट के लिए तो इस क्वेश्चन को आप इग्नोर कर सकते हो। वहां थोड़ा स्टेट के बारे में आसपास आपको पता होना चाहिए, अगर सेट एग्जाम है तो। नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट है ये, तो हेयर द आंसर इज हैदराबाद। नेक्स्ट, हायर एजुकेशन इन इंडिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, उच्च शिक्षा भारत में किसकी जिम्मेदारी है? स्टेट सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी। स्टेट और सेंटर, 1976 में क्या कर दिया था इसको, कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था, और तभी से आपका जो हायर एजुकेशन है या एजुकेशन है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंटर एंड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन, कब इसको अपनाया गया था? 1956, 1949, 50 और 56। नवंबर और जनवरी इसके मंथ दे रखे हैं। अक्सर 1950 पे हमारा मतलब ध्यान इस पे जाता है। तो ये क्या है? 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंड रूसा, रूसा का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय उन्नत संस्कृति अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उन्नत स्त्री अभियान और राष्ट्रीय उच्च साहित्य अभियान। इट्स राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। नेक्स्ट,
न्यूटन डिस्कवरी ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटी बिलोंग्स टू, इग्नोर भी, ये रिसर्च का क्वेश्चन है वैसे आपका, न्यूटन डिस्कवरी ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटी बिलोंग टू, वैसे ये किसका एग्जाम्पल है, डिस्कवरी डिडक्टिव, अगर आपसे बोले डिडक्टिव रिसर्च या डिडक्टिव रीजनिंग भी इसी में आ जाता है, तो यहां पर आप लोग क्या करेंगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, तो यहां पर आपका ए आ जाएगा। चूज द पेयर ऑफ वर्ड्स विच शोज द सेम रिलेशन एज गिवन एट द टॉप, आपका दे रखा नायक और चरित्र, तो इसका बेस्ट ऑप्शन सिमिलर देखिए, तो आंसर इज बर्ड और माइग्रेशन। नेक्स्ट, इफ द स्टेटमेंट ऑल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट इज ट्रू, अगर ऑल स्टूडेंट ये ट्रू है तो बताना फॉल्स क्या होगा, नो स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, सम स्टूडेंट और सम स्टूडेंट आर नॉट इंटेलिजेंट, अगर ये केस आपका ट्रू है, ऑल का केस ट्रू है तो नो, सम और सम नॉट, बाकी की कंडीशन क्या होगी, कॉन्ट्राडिक्टरी बोलता है ये फॉल्स होगा, है ना, मीन्स आपका सम नोट का केस पक्का आएगा, थर्ड ऑप्शन जहां पे बैठा है उन सबको रखो, देन उसके बाद अगर ये इसका पर्टिकुलर फॉल्स है तो इसका यूनिवर्सल भी फॉल्स है, सबॉल्टर्न बोलता है ये बात, तो नो वाला केस भी इसमें जाना चाहिए, तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन आना चाहिए, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए, शुड ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन इंडिया बी गिवन टू द प्राइवेट सेक्टर, क्या सभी बुनियादी ढांचे विकास परियोजनाएं निजी क्षेत्र को दे देनी चाहिए, तो इसमें बताओ कौन सा आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग आप लोगों को लगता है, विच आर्ग्यूमेंट, नो प्राइवेट सेक्टर यूनिट आर नॉट इक्विप्ड विद नेसेसरी एसेट्स टू एग्जीक्यूट सच प्रोजेक्ट, क्या ये स्ट्रॉन्ग है, या येस इन ए डेवलपिंग कंट्री सच प्रोजेक्ट कुड बी एग्जीक्यूटेड इन द प्राइवेट सेक्टर, तो दोनों ही आपके क्या है, वीक है, देखो ये बताओ नो नहीं देना चाहिए क्योंकि ये इक्विप्ड नहीं है बहुत अच्छे एसेट्स के साथ, तो ये तो बहुत स्ट्रांग नहीं है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी अपने पास इक्विपमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं, तो ये तो स्ट्रांग नहीं है, दे देना चाहिए, अब ये बताओ अगर सब कुछ प्राइवेट सेक्टर को यहां पर दे देते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा सॉलिड स्ट्रांग ऑप्शन नहीं है ना, अगर निजीकरण कर दिया जाए हर चीज का, तो दोनों ही आप लोगों के वीक है। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन ये है आपका बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट्स, हाँ जी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू एलोकेट 100 करोड़ ईच ईयर फॉर 5 ईयर फॉर डेवलपिंग स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, 100 करोड़ देना है मतलब ईच ईयर फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, तो 500 करोड़ इज नॉट सफिशियंट फॉर डेवलपिंग स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इन इंडिया, और रुपीज 500 करोड़ इज एडवोकेट फॉर डेवलपिंग स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट इन इंडिया, दोनों ही बहुत हाइपोथेटिकल कर दिया, हाइपोथेटिकल कर दिया, ना तो हम दोनों को इग्नोर कर सकते हैं ना दोनों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, दैट्स वाई ईदर वन और टू जाएगा। सम म्यूजिशियन आर सिंगर, ऑल द सिंगर आर डांसर, ये सिलोइज्म का क्वेश्चन है आपका, सम म्यूजिशियन आर डांसर, नो सिंगर इज ए म्यूजिशियन, क्या इसका कंक्लूजन जाएगा, देखो यहाँ पे आप अगर फॉर्मल फैलेसी के रूल्स आपको याद है, मैंने बताया था अगर आपके अफर्मेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं होगा, तो ये आपका चला गया, बचा क्या, ओनली ऑप्शन वन। तो डियर लर्नर दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन, और ये है आप लोगों का होमवर्क, अराउंड हम लोगों ने 30+ क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, सो नेम द ऑफिशियल पब्लिक ब्रॉडकास्टर ऑफ द कंट्री, ये आप लोगों को बताना है कि ऑफिशियल यहाँ पे पब्लिक ब्रॉडकास्टर कौन है, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, प्रसार भारती या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, तो ये था आज का सेशन, आई होप इट्स इन्फॉर्मेटिव, ये मॉक टेस्ट आपको काफी हेल्प करेगा, एटलीस्ट 30 क्वेश्चन से 30 चीजें आप सीख के गए हो, तो क्विकली सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, जिसने लेट ज्वाइन किया है शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो पहली बार आए हैं डू सब्सक्राइब द सेम, और टेलीग्राम सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर लीजिए, मॉक टेस्ट 1 का फाइल मैं वहां पे दे चुकी हूँ और मॉक टेस्ट 2 का फाइल भी आपको 1 से 2 दिन में मिल जाएगा, ठीक।
ठीक है, लेकिन जो आपको एक्सप्लेनेशन है वो वहां पे नहीं मिलेगा, वो सिर्फ आपको सेशन को देखने के बाद ही नॉलेज मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।